आज 17 अगस्त है, आज ही के दिन 1933 में गुरुदेव जी के शरीर का जन्म हुआ था। अंग्रेजी महीना के अनुसार आज गुरुदेव जी का जन्मदिन है, लेकिन हम लोग 17 अगस्त को उनका जन्मदिन नहीं मनाते हैं। हिंदी महीने के अनुसार भादो कृष्ण द्वादशी को मनाते हैं, जो परसों पड़ने वाली है 19 तारीख को। गुरुदेव जी ने बहुत कुछ लिखा है, जो लिखा है दर्शन की बातें, अन्य और बातें, तो वह तो उन्होंने पढ़ करके, सुन करके, अनुभव करके लिखा है। दार्शनिक, व्यवहारिक, सामाजिक बातें देख सुन करके लिखी जा सकती है। उनके अलावा उन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसे जी करके लिखा है, जीने के बाद। आचरण करने के बाद, अनुभव करने के बाद लिखा है। उनकी एक कविता है जिसमें उन्होंने जीवन जीने की रहनी बताई है कि किस रहनी में चलकर हम आत्मस्थिति तक पहुंच सकते हैं। उस कविता की कुछ पंक्तियों पर कुछ विचार। करना बंद आंख अपनी, पर के दुर्गुण दोषों से, रमना सदा साधु की संगत, तजना कुसंग कोसों से। दूसरों के दोष दुर्गुणों से अपनी आंखें बंद रखना। उन पर ध्यान न देना। यदि अपने मन को निर्मल बना करके रखना है तो दूसरों के दोष दुर्गुणों के बारे में चार बातों पर हमें ध्यान देना होगा। दूसरे के दोष, दूसरे की गलती ना देखेंगे, ना सोचेंगे, ना सुनेंगे और ना कहेंगे। अब प्रश्न ये आता है, घर में है, समाज में है, घर परिवार का कोई सदस्य गलत काम कर रहा है तो क्या देख करके चुप रह जाए, क्या उसको टोका ना जाए, समझाया ना जाए, या कोई दूसरा उसे कहे कि देखो तुम ऐसी गलती कर रहे हो, ऐसी असावधानी हो रही तुमसे, ये करना ठीक नहीं है। तो कहे साहब ने गुरुदेव ने कहा है ये करना बंद आंख अपने पर के दुर्गुण दोषों से, आप मेरे दोषों को देख रहे हो, तो गलत होगा। समझाने जहां हैं साथ में वहां कोई गलती कर रहा है तो रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा, समय से डांटना भी पड़ेगा,
और जरूरत पड़े तो दंड भी देना पड़ेगा। तब व्यवहार चलेगा, तब समाज चलेगा, वो अलग बात है। देखने का मतलब उसके दोषों को देख करके उसके प्रति द्वेष भाव बनाए रखना। द्वेष भाव बनाए रखना ये अपने साथ अन्याय करना है। तो करना बंद आंख अपनी पर के दुर्गुण दोषों से। दूसरा गलत कर रहा है उसका नुकसान होगा, वो जाने अपना। किसी के दोष को, किसी के दुर्गुण को देखकर उसकी उसके हित के लिए समझा दे, रोक दे, लेकिन उसके दोष दुर्गुण को अपने मन में बना करके न रखे, उसका बराबर ख्याल न करें। उसका ख्याल करते रहेंगे तो अपना मन गंदा बना रहेगा, दूषित। और दूषित मन से शांति कैसे मिलेगी, कल्याण का काम कैसे होगा? तो दोषों, दूसरों के दोषों दुर्गुणों से मन को हटाकर करना क्या है? रमना सदा साधु की संगत, तजना कुसंग कोषों से। कुसंग को दूर से त्याग कर सदैव साधु संगत में निवास करना, सदैव साधुओं की संगत करना। साधु सज्जन, साधु जो साधना परायण है, जिसका जीवन विवेक विचार सद्गुण सदाचार त्यागमय है, वह साधु है। साधु का अर्थ होता है साधना करने वाला, साधु का अर्थ होता है परमार्थ प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, कल्याण प्रेमी। कहीं भी रहें साधुओं की, सज्जनों की संगत, साधु सज्जनों की संगत को छोड़कर कल्याण का और कोई उपाय नहीं है। साधु संगत को छोड़ देंगे तो कुसंग में जाना पड़ेगा, और कुसंग केवल पतन का रास्ता है, केवल पतन का रास्ता। कुसंग के अनेक रूप होते हैं, सभी प्रकार से हमें कुसंग से बचना है। हार मान कर सबसे रहना, तजना जीत की इच्छा, आंख मूंद कर नहीं मानना, कर निष्पक्ष समीक्षा। सबसे हार मान जाओ, जीत की इच्छा का त्याग करो, सबसे अपनी बात मनवा लूं, मेरी बात सबसे ऊपर, सब लोग आपकी बात मान लें तो आपका क्या लाभ हो जाएगा? आपकी शांति कितनी बढ़ेगी, प्रसन्नता कितनी बढ़ेगी, कल्याण की डिग्री कितनी बढ़ेगी? हार जाएं, पीछे हो जाएं, मौन हो जाएं, विनम्र हो जाएं, क्या घाटा हो जाएगा? कोई विवाद करने आ रहा है, शांत हो जाओ। जो पहले से ही हार जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता है। हार करके जीत हो जाती है, और जो
पद में, मर्यादा में, रिश्ते में, ज्ञान में, विवेक में, विचार में, साधना में, किसी प्रकार किसी दृष्टि से अपने से बड़े हैं उनसे हारने में ही अपना सुख है, अपना कल्याण है। सब जगह से हार जाए, कहना कि जो हार जाता है वह हार करके जीत जाता है। हारने में बाधा है अहंकार, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये अहंकार हमें चुप रहने नहीं देता। हम सब पर जीत की भावना से जबरदस्ती हमारी बात सबसे ऊपर, और ऐसा जीतने वाला अंत में हार जाता है। सद्गुरु ने तो यह भी कहा है, हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हार जाता है, झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, सहन कर लेता है, मौन हो गया, वो हरि को मिल गया, चुप हो गया, शांति बरकरार है, प्रसन्नता बरकरार है, हरि मिल गया, जीत लिए, सबकी बोलती बंद करवा दी, साहब कहते तुम नरक में चले जाओ। हल्का होना पड़ेगा, यदि भवसागर से तरना है तो हल्का होना पड़ेगा। नाव हल्की होती है, पानी पर तैरती है, छोटा सा कंकड़ होता है, वजनदार पानी में डूब जाता है। पानी सब परिचित है, पानी किसको डुबाता है और किसको उबारता है, तारता है, ख्याल है ना आपको? पानी जिंदा आदमी को डुबाता है, मुर्दा को तैराता है। कभी मुर्दा को आपने देखते हैं डूबा? मुर्दा को कभी डुबाएगा नहीं पानी, मुर्दा को सदैव बहाएगा, तारे तार देगा, किनारे लगा देगा पानी, और जिंदा को डुबा देता है। ये प्रकृति का नियम, जिंदा रहोगे, अहंकारी बनकर रहोगे तो प्रकृति डुबाएगी, मुर्दा बन जाओ, हार जाओ, विनम्र बन जाओ, प्रकृति आपको तार देगी। इसलिए हारना मुर्दा बन जाना है, मुर्दा मतलब हार, विनम्र बन जाना, हार मानकर सबसे रहना, तजना जीत की इच्छा। सदगुरु कहते हैं सबसे हार मान जाओ, पीछे हट जाओ, जीत की इच्छा छोड़ दो, मुझे लोग बड़ा माने, मुझे लोग सामने बैठाए, मेरी बात सब माने, मेरी बात को कोई ना काटे, इच्छा छोड़ दो। हाँ, लेकिन आंख मूंद कर नहीं मानना, कर निष्पक्ष समीक्षा, किसी की बात को आंख मूंद करके नहीं मानना है, निष्पक्ष होकर समीक्षा करना है कि सत्य क्या है। सब आदरणीय, दुनिया में जितने गुरु पीर हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हों, सभी मत पंथ संप्रदाय के महापुरुष हमारे गुरु पीर हैं। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। जो कबीर साहब सबको फटकारते, सबको फटकारते हैं, किसी की गलती के लिए क्षमा नहीं करते, मुरब्बत करना जानते नहीं है। यहाँ कितनी विनम्रता से कह रहे हैं, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। अल्लाह और राम के जो पोंगरा है, पोंगरा मतलब बच्चा, पुत्र, अल्लाह का पोंगरा ईसा, मूसा, दाऊद, मोहम्मद, राम का पोंगरा राम कृष्ण,
या अन्य और महापुरुष बुद्ध व्यास सबको ले लो। साहब कहते हैं मैं उन सबको अपना गुरु पीर मानता हूं। कितना आदर दे रहे हैं सदगुरु कबीर। तो दुनिया में जितने मत संप्रदाय हैं सबके महापुरुष हमारे लिए श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, गुरु पीर के समान आदरणीय हैं। लेकिन किसी की भी बात को हमें आंख मूंद करके नहीं मानना है। कर निष्पक्ष समीक्षा, निष्पक्षता पूर्वक विनम्रता के साथ समीक्षा करना है। और समीक्षा करने में जो सच लगे उसको मान लेना है, जो सच न लगे उसको छोड़ देना है। उस समय की जैसी परिस्थिति रही है, जैसी उनकी सूझबूझ रही है, उस ढंग से उन्होंने बात कह दी। आज वो बात हमें गलत जान पड़ती है तो उसके लिए उन्हें गाली देने की, उनकी निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु उस बात को छोड़कर उन्होंने जो अच्छी बात कही है उसको ग्रहण करने की, उसको आचरण करने की जरूरत है। आंख मूंद कर किसी की बात नहीं मानना है। सबको आदर दें और निष्पक्षता पूर्वक सत्य का ग्रहण करना करें। अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में वाणी में तन में। गुरुदेव जी ने इस पंक्ति को जिया है, कहा नहीं है, जिया है, जी करके कहा है। कभी भी उन्होंने चेष्टा नहीं की कि लोग मुझे बड़ा माने, अच्छा कहें, मेरी प्रशंसा करें। सदैव वे अच्छा रहने की चेष्टा करते रहे। कभी आगे बैठने की, ऊंचे बैठने की उनके मन में लालसा ही नहीं रही है। हम लोगों के लिए गुरुदेव जी का संदेश है कि तुम अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में। अपने मन में कभी ये भावना मत रखो कि लोग मुझे बड़ा माने, अच्छा माने, साधु माने, महात्मा माने, गुरु पीर माने। क्या जरूरत है मनवाने की? हाँ, लेकिन सदा अच्छा रहना मन में वाणी में तन में। मनसा वाचा कर्मणा सदैव अच्छा रहो। मन से अच्छी बात सोचे, वाणी से अच्छी बात कहें और शरीर से अच्छे कर्म करें। बस इस पर हमारा पूरा अधिकार है। अच्छा रहने में, अच्छा कहने में, अच्छा सोचने में अधिकार है हमारा, अच्छा मनवाने में अधिकार नहीं है। क्यों मनवाएं? अच्छा लोग माने हमारा कल्याण थोड़े होगा, अच्छा रहने में कल्याण है ना। सोचना है हम सब लोगों को कि कितना अच्छा काम मैं कर रहा हूं, मेरा मन कितना अच्छा, मेरी वाणी कितनी अच्छी, मेरे जीवन का व्यवहार, मेरे जीवन की क्रिया, मेरे जीवन के कर्म कितने अच्छे हैं। और यदि ये सब अच्छे हैं, संतुलित हैं, तो चिंता किस बात की? निर्फिक्र निर्भय हम अच्छा जीना नहीं चाहते, अच्छा रहना नहीं चाहते, अच्छा कहलाना चाहते हैं। और अच्छा कहलाते कहलाते इच्छा रखते रखते क्या होता है? सदैव शिकायत क्षोभ से मन भरा रहता है। हर जगह अपमान का अनुभव होता है। अच्छा कहलाने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा जितनी ज्यादा होगी,
उतना अपमान का अनुभव होगा। हर समय ये लगेगा कि लोग मेरी कीमत नहीं समझ रहे हैं, मेरी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, जैसा चाहिए मुझे वैसा आदर नहीं दे रहे हैं। हर समय क्षोभ, हर समय क्षोभ, हर समय शिकायत। और शिकायत में डूबा रहने वाला आदमी कभी सुख से जीवन जी सकता है? शिकायत में डूबा रहने वाला आदमी कभी साधना, भजन, कल्याण, ध्यान का काम कर सकता है? आखिर हम ध्यान कर रहे हैं, आखिर हम साधना कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो क्यों? अच्छा कहलाने के लिए या अच्छा जीने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा होने के लिए? कल्याण के लिए कर रहे हैं ना? क्यों ध्यान करते हैं, क्यों साधना करते हैं, क्यों साधु गुरु के पास जाते हैं? हमें अच्छा रास्ता मिले और अच्छे रास्ते में चलकर हम अपना कल्याण का काम करें, तो यही करें ना। अच्छा माने ये बात सोचे ही क्यों? लोग मुझे अच्छा माने ये सोचना ही गलत है। लोग मुझे अच्छा माने, जब हमारे मन में ये विचार आता है, इसका मतलब है हम अच्छा कर नहीं रहे हैं, अच्छा रह नहीं रहे हैं। जो अच्छा रहेगा, जो अच्छा करेगा, अच्छा सोचेगा, उसके मन में एक सेकंड के लिए भी ये विचार नहीं आएगा कि लोग मुझे अच्छा माने, बड़ा माने और आदर दे। झांकना है हमको अपने भीतर। अच्छा रहने में मुझे आनंद है या अच्छा कहलाने में आनंद आता है? अच्छा कहलाने में आनंद आता है तो हम नरक की तरफ जा रहे हैं, और यदि अच्छा रहने में आनंद आ रहा है तो हर जगह हमारे लिए स्वर्ग बना बनाया है, मिला मिला हर जगह। इसलिए अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में, बस हमारा काम पूरा। ये दो पंक्तियां ही पर्याप्त है हमारे लिए, लेकिन जब संवेदना हो तब। नहीं तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, अच्छा कहने में आनंद आता है हमको, और कई बार हम पूछ भी लेते हैं, कहो आज का मेरा प्रवचन कितना बढ़िया रहा, बढ़िया रहा ना? लोगों से हम जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं। क्या क्या मिलेगा? हाँ साहब, आज तो आपका प्रवचन इतना बढ़िया रहा कि क्या कहना, ऐसा प्रवचन तो कभी सुना नहीं था। बस सुन करके हमारा मन कुप्पा हो गया, फूल गया, वाह हम बहुत बड़े ज्ञानी, नरक में चले गए इसका ख्याल नहीं हुआ। क्यों अच्छा कहलाए? लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा, कितना हम और आप कोई भी हो, कितना अच्छा रहें, एक एक कदम बिल्कुल फूंक फूंक करके रखते रहें, पूरी सावधानी से, पूरी सजगता से, होशियारी से काम करें, फिर भी गलत कहने वाले, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले मिलेंगे, बाहर के लोग भी मिलेंगे, भीतर के लोग मिलेंगे, जिन्हें पराया मानते हैं उनमें भी निंदा करने वाले मिलेंगे, जिन्हें अपना मानते हैं, जो अंग साथ साथ बने हुए हैं, उनमें भी निंदा करने वाले मिलेंगे। वे हर बात में आपकी कमजोरी देखेंगे,
तो ऐसे समय में क्या करना होगा? फिर अच्छा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जी रहे हैं, फिर भी लोग बुरा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तब क्या करें? गुरुदेव जी कहते हैं, अपनी निंदा कभी श्रवण कर क्षोभ न मन में लाना, सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो मन में क्षोभ मत लाना, दुखी मत होना। क्या भाव रखना है? निंदक मुझे सावधान कर रहा है कि तुम्हें अच्छा रहना है। निंदक विरोधी नहीं है, सहयोगी है। निंदक हमें सदैव अच्छा देखना चाहता है, वो टोक रहा है मानो, सावधान कर रहा है। कोई निंदा कर रहा है, कहीं हमारी निंदा हो रही है, तो हमें सोचना यह है कि मैंने कौन सा गलत काम किया है जिसके कारण से मेरी निंदा हो रही है, और समझ में आए कि मैंने ऐसा गलत काम किया, ऐसी गलत बात मैंने कही, इसके लिए मेरी निंदा हो रही है, तो हमें जल्दी से जल्दी उस गलत बात, उस गलत काम का त्याग कर देना है। निंदा करने वाला गलत नहीं है, हम गलत, जिसने गलत काम किया तब हमारी निंदा हुई। और यदि हम गलत काम तो नहीं किए, गलत बात नहीं बोले, फिर भी हमारी निंदा हो रही है, तो सावधान होना है। जब मैंने कोई गलत बात नहीं कही, गलत काम नहीं किया, तो मेरी निंदा हो रही है, और गलती करूंगा तो क्या होगा, और कितनी निंदा होगी? और सावधान हो जाना है, नहीं मुझे और सावधान होना है। निंदा सुन करके शुद्ध होना अपनी कमजोरी है, भीतर हमारी कमजोरी बनी हुई है। प्रशंसा पाने, जब तक प्रशंसा पाने की भावना नहीं होगी, तब तक निंदा सुन करके दुख नहीं होगा। प्रशंसा पाने की भावना, अच्छा कहलाने की जो लालसा है, यही हमें दुख देती है निंदा सुनने के बाद। मन में कोई लालसा ही नहीं है लोग मुझे अच्छा माने, तो निंदा सुन करके शुद्ध क्यों होंगे हम? बस अच्छा करते चले। सदगुरु कबीर ने सबकी गलतियों के लिए आलोचना की है, सबको फटकारा है, लेकिन एक बात का आपने ख्याल किया होगा, पूरी कबीर वाणी पढ़ जाओ, चाहे बीजक हो चाहे बीजक के बाहर हो, बहुत सारी वाणियां उनके नाम से मिलती है, उनमें आप कहीं भी एक पंक्ति नहीं पाएंगे जहां कबीर साहब ने अपने निंदकों को भला बुरा कहा हो, या उसकी चर्चा ही की हो। उनको बहुत तकलीफ दी गई, उनके रास्ते में तमाम रोड अटकाए गए, हर प्रकार से दंड देने की चेष्टा की गई, लेकिन एक पंक्ति में भी, क्या आधी पंक्ति में सदगुरु कबीर ने इसकी चर्चा नहीं की है। व्यक्तिगत जीवन के लिए उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जब देखते हैं थे कि समाज को बिगाड़ा जा रहा है, जो दबे कुचले लोग उनको और दबाया जा रहा, मानवता का शोषण किया जा रहा है, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और तमाम नाम पर, तब वे आलोचना करते हैं सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए,
दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए करते हैं, व्यक्तिगत जीवन के लिए बिल्कुल मौन। यही रास्ता है सुख का। तो निंदा सुन करके शुद्ध होना, निंदक को अपना विरोधी मान लेना, ये हमारी कमजोरी है। निंदा सुन करके यदि हम दुखी होते हैं तो इसका अर्थ है हम निंदा के पात्र हैं। सचमुच में निंदा करने वाला दोषी नहीं है, हमें गलत कमजोरी है, उसे वो निंदा कर रहा है। निंदक को मारने का, निंदक को चुप कराने का सबसे बढ़िया रास्ता है निंदा सुनकर के चुप हो जाना, मौन रह जाना। पहले हमें यह समझना होगा कोई हमारी निंदा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या मिलेगा उसको। निंदा कर रहा है तो मजा लेने के लिए कर रहा है, और निंदा सुन करके जितना हम शुद्ध होते हैं, जितना दुखी होते हैं, उत्तेजित होते हैं, निंदक अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है, वो मजा आता है उसको फिर, और बार बार निंदा करेगा। और निंदा सुन करके आप शांत रह जाओ, उसे मजा नहीं आएगा, अरे यार ये तो मुर्दा आदमी, कुछ कहो तो कुछ होता नहीं, इसके क्या कहना, वो अपने आप से हो जाएगा, क्योंकि मजा ही नहीं आएगा ना। जरा ख्याल करो, मान लो कोई आपको गाली दे रहा है, आपकी बुराई आपके सामने कर रहा है, आप सुन रहे हो, शुद्ध होते हो, पीड़ित होते हो, तो और गाली देंगे और मजा आएगा। लेकिन आप किसी बाहरे बेटे को देखना गाली दे करके, जो सुनता ही नहीं है, उस बाहरे बेटे को गाली दे करके देखना, वो सुनेगा नहीं, आपको कोई मजा नहीं आएगा गाली दे करके। ऐसे होना पड़ेगा। एक महात्मा के पास एक जिज्ञासु पहुंचा और कहा, भगवान मैं कल्याण का काम करना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ, क्या करूं। कि सचमुच में साधना करना चाहते हो? हाँ भगवान सचमुच साधना करना चाहते हो। तो महात्मा ने कहा, सचमुच में साधना करना चाहते हो, सचमुच शांति तुम्हें प्रिय है, तो अंधा गुंगा बहरा बन जाओ, बस शांति मिल जाएगी। अंधा बनने का मतलब क्या है? कोई गलत कर रहा है उसे देखो मत, बहरा बनने का अर्थ है निंदा कर रहा है सुनो मत, और गलत बात बोलो मत, गुस्सा आ रहा है बोलो मत, बस कल्याण हो गए। तो निंदा सुन करके हम शुद्ध होते हैं तो सचमुच में हम निंदा के पात्र हैं। निंदा करने वाला दोषी नहीं है, दोषी हम हैं। तो निंदा हो रही है तो कौन गलत हो रहा है? गुरुदेव जी कहते हैं, अपनी निंदा कभी श्रवण कर, शोभ न मन में लाना, सावधान करता नित निंदक, मन को बोध कराना। मेरा निंदक मुझे सावधान कर रहा है, ये समझना, और अधिक सावधानी के साथ विवेक पूर्वक अच्छे काम में, कल्याण साधना के काम में समर्पित हो जाना, डूब जाना। सदा सत्य की विजय, प्रकृति का नियम भूल मत जाना, चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। प्रकृति का नियम है सदैव सत्य की विजय होती है, सब समय सत्य की विजय होगी। पहले आप सही बात कहोगे, आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे लोग,
कहेंगे अरे झूठ बोल रहा है। पहले लोग सत्य बात पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि लोग झूठ में जीने के आदि हो गए हैं। सच बात लोगों को पचती क्यों नहीं है? सच बात लोगों को ग्रहण क्यों नहीं होती है? क्योंकि झूठ बोलते बोलते झूठ में जीते जीते मन वैसा बन गया है, हाजमा बिगड़ गया है। ध्यान देना, जो लोग बराबर मिलावटी दूध पी रहे हैं, दूध आप खरीदते होंगे कभी, अब ग्वाला आपको मिलावटी दूध दे रहा है, पानी मिला दूध दे रहा है, वही पीते पीते आप उसके अभ्यासी हो गए हैं, और एक दिन ग्वाला कहीं आपको बिल्कुल शुद्ध दूध दे दे और शुद्ध दूध पिया, आपने पेट बिगड़ गए, कहेंगे आज ग्वाला ने पानी मिला दिया था, रोज मिला रहा था तब नहीं कहोगे आप? जो शुद्ध दूध देगा ना तब कहोगे आज ग्वाला ने पता नहीं क्या मिला दिया था दूध में। मिलावटी दूध पीते पीते पेट वैसे बन गए हैं, खाली दूध पचेगा कहां से? डालडा खाने का अभ्यासी बन गए हो, और जो शुद्ध घी खाओगे ना कहेंगे ये घी मिलावटी घी था। अरे घी घी पचाने की क्षमता ही नहीं, डालडा पचा रहे हो तो घी कहां से पचेगा? बात ये भी है, आपको शुद्ध दूध पचता नहीं इसलिए ग्वाला पर मिला देता है पानी, इस आदमी पेट ना बिगड़े। वो दोषी उसका नहीं है, वो और जानता है अभी कमजोरी को, ये आदमी शुद्ध दूध पचा नहीं पाता है, तो ऐसा दूध दो दे जिसको ये पचा सके। यही इसीलिए धर्म के क्षेत्र में पहुंचते गुरु लोग झूठी बात कहते रहते हैं ताकि आदमी पचाता रहे, सही बात नहीं कह पाते क्योंकि आप पचा ही नहीं पाओगे ना। तो बात यह है, पहले आप सही बात कहोगे लोग उसको हजम नहीं कर पाएंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, फिर लगेगा ये सही बात बाबा कर रहा है तो तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे आपका। पहले सत्य पर लोग ध्यान नहीं देते, जब वो सत्य फैलता है तो लोग उसको तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करने पर भी आप नहीं रुके तो आपका विरोध करेंगे, हर प्रकाश आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, और विरोध करने पर भी आपने रुकोगे तब आपको सत्य को लोग स्वीकार कर लेंगे अंत में। ये नियम है प्रकृति का, सदा सत्य की विजय, प्रकृति का नियम भूल मत जाना। गुरुदेव जी कहते हैं प्रकृति का नियम है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयति ना नृतम। वैसे हम लोग लिखते हैं सत्यमेव जयते, हमारे नोटों में झंडा में सब में लिखा रहता है, लेकिन जहां उपनिषद में यह मंत्र है वहां है सत्यमेव जयति ना नृतम। सत्य विजयी होता है अनृत नहीं, सदैव विद्यमान। आज नहीं तो कल लोग सत्य को स्वीकार करेंगे। रमना सदा सत्य में, सदा सत्य की विजय, प्रकृति का नियम भूल मत जाना, चलना सदा सत्य के पथ पर फिर परवाह न लाना। गुरुदेव जी कहते हैं कि तुम सदैव सत्य के पथ पर चलो, ये मत सोचो कि कितने लोग मेरा विरोधी बने हुए हैं, कितना लोग मेरा सहयोगी बने हुए हैं। विरोधियों और सहयोगियों की परवाह करने वाला आदमी सत्य के रास्ते पर नहीं चल सकता है। जो भीड़ लेकर के चलना चाहेगा, जमात बटोर कर चलना चाहेगा, वो सत्य के रास्ते पर नहीं चल सकेगा। फिर तो ये होगा कि जो मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, इनको मैं कैसे खुश करूं, खुश करके कैसे अपने पास बनाए रखूं? ये जो विरोधी हैं, इनको इनकी बोलती कैसे बंद करूं, इनको रास्ते से कैसे हटाऊं? उसी में शक्ति चली जाएगी, फिर सत्य का आचरण कैसे होगा? इसलिए
न विरोधियों की परवाह, न सहयोगियों की परवाह, केवल सत्य चलना, सदा सत्य के पथ पर। जिसे हम सत समझते हैं उस पथ पर चलें, वैसा कहें वैसा जिए, फिर परवाह ही छोड़ देना है। दुनिया अपने रास्ते पर चलती रही है, चलती रहेगी। एक सत्य मिल गया, दुनिया छूट गई, कुछ नुकसान नहीं है। दुनिया मिल गई, सत्य छूट गया, कोई फायदा नहीं है। ये सारी पंक्तियां में से एक एक पंक्तियां अत्यंत मूल्यवान है हमारे लिए। जानते हैं, समझते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। ईर्ष्या क्रोध घृणा मत सरतज सबसे सदगुण लहना, अपने मन को मार मार कर सबकी सब छिन सहना। ईर्ष्या क्रोध जलन घृणा अनेक प्रकार के मल विकार मन में जमे हुए हैं, पैदा होते रहते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या सदैव होती है किसी बात में अपने से बड़ों को देखकर, ये मुझसे बड़ा क्यों हो गया, ये मुझसे आगे क्यों निकल गया। सदैव अपने से बड़ों को देख करके ईर्ष्या होती है, जलन। और इसमें हम अपना नुकसान करते हैं, बिना आग के जलते रहते हैं। ईर्ष्या बिना आग के हमें जलाती रहती है हरदम। जले ना, वैसा होने की कोशिश करें। कभी कभी आपने किसी किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, अनेक किस्म की बातें लोग लिखते रहते हैं। तो किसी ट्रक के पीछे ऐसे आपने देखा होगा, जलो मत बराबरी करो, ईर्ष्या मत करो, जैसा उसका जीवन है वैसा बनने की कोशिश करो। ईर्ष्या की आवश्यकता क्या है? और ईर्ष्यालु आदमी सदैव जलता रहेगा, क्योंकि आप देखोगे कि एक न एक आपसे बढ़ा हुआ आदमी मिलेगा दुनिया में, चाहे जिस क्षेत्र में जाओ। तो सुख से जियोगे कैसे? इसलिए ईर्ष्या, कभी भी अपने से बड़े को देखें, धन के क्षेत्र में, पद के क्षेत्र में, मर्यादा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, त्याग तप के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, सद्गुण के क्षेत्र में, तो सदैव खुश हो। अरे सोचो कि ऐसे सुखी, ऐसे सद्गुणी, ऐसे सदाचारी, ऐसे त्यागी वैरागी अधिक से अधिक लोग दुनिया में, ताकि दुनिया का अधिक से अधिक मंगल हो। ये भावना सोचो, मन बढ़िया बन जाएगा। अरे हम नहीं वैसा हो सके, हम त्याग नहीं कर सके, हम साधना नहीं कर सके, हम सद्गुणी नहीं बन सके, कोई दूसरा तो बना। ईर्ष्या क्यों, दुख क्यों, प्रसन्नता, क्रोध, कामना में बाधा पड़ने पर, जब जब हमारे कामना में बाधा पड़ती है तब तब हमारे मन में क्रोध आता है। इसलिए बचना है तो कामना से बचना, लालसा से, चाहना से बचना होगा। जितनी ज्यादा कामना उतना अधिक क्रोध, असहनशीलता बढ़ेगी। असहनशीलता का से ही क्रोध होता है। जब तक असहनशीलता नहीं होगी तब तक क्रोध नहीं होगा।
और कामना कभी हमारी पूरी हो नहीं सकती है। घृणा अपने से छोटों को देख करके, दिन दुखी दुर्बलों को देख करके होती है। घृणा करना भयंकर कमजोरी है हमारी। अरे दिन दुखी दुर्बलों को देखकर दया करो, उन पर करुणा करो, यथा संभव उनके दुखों को दूर करने का काम करो। घृणा करके अपने संस्कार को, मन को खराब क्यों कर रहे हो? किसी दिन दुखी दुर्बल रोगी को देखकर घृणा करने का अर्थ है वैसा ही दिन दुखी दुर्बल होने का बीज बोना, वो संस्कार पैदा करना अपने अंदर। ये समझ लें, किसी भी दिन दुखी दुर्बल को देखकर हमारे मन में बराबर घृणा हो रही है तो हमें वैसे दिन दुखी दुर्बल होना है, आज नहीं तो कल, पक्का है। ये नियम है प्रकृति का। यदि चाहते हैं कि मैं ऐसा दिन दुखी ना बनूं, ऐसा दुर्बल, ऐसा असहाय, ऐसा रोगी ना बनूं, तो उसके लिए दया करो, करुणा करो, उसके दुख को दूर करने का, उसे ऊपर उठाने का प्रयास करो। ऊपर नहीं उठा सकते तो कम से कम ये तो सोचो कि दुनिया में ऐसा दुखी कोई ना हो, संस्कार तो अच्छा बनेगा। तो ईर्ष्या क्रोध घृणा मत्सर्थ सबसे सद्गुण गहना, गुरुदेव कहते हैं सबसे सद्गुण को ग्रहण करो। हर आदमी में सद्गुण है। मार्कस आरेलियस जो आज से लगभग 1800 साल पहले रोम के सम्राट रहे हैं, राजा लेकिन साधक, जैसे हमारे यहां जनक के लिए कहा जाता है विदेही, राजा होते हुए भी ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, वैसे ही मार्कस ऑरेलियस राजा होते हुए भी साधक। उनकी डायरी जो छपी होते पढ़ो तो ये लगता ही नहीं है ये किसी राजा की डायरी, लगता है किसी अच्छे साधक संत की डायरी है। उसमें उन्होंने लिखा है, मार्कस तुम और बातों में भले दूसरों से पिछड़ जाना, लेकिन सद्गुणों के मामले में तुम किसी से पीछे मत रहना। एक राजा कह रहा अपने को कि मार्कस तुम और बातों में भले दूसरों से पीछे हो जाना, लेकिन सद्गुणों के मामले में किसी से पीछे मत रहना। क्या हमारे मन में ये भावना आती है? एक राजा के मन में भावना है, एक राजा अपने को कह रहा है। हम तो अपने को भगत मानते हैं, सत्संगी मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, पुजारी मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, साधु मानते, पता नहीं क्या क्या मानते हैं। कितने क्षण हमारे मन में भावना आई कि मैं सद्गुण के मामले में त्याग, तप, साधना, सहनशीलता, भक्ति, सेवा, ज्ञान, वैराग्य के मामले में किसी से पीछे नहीं रहूंगा। कहाँ आई? इसीलिए तो बहुत कुछ करने के बाद मन की जलन दूर नहीं हो पाती है। ख्याल करें, सुकरात को बहुत बातें उनके बारे में कही जाती है। प्रार्थना हम और आप भी करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना में हम क्या मांगते हैं? वही लौकिक वैभव, भगवान ये देना, वो देना, वो देना, वो देना, सदैव भीख मांगी जाती है। सुकरात ने भी प्रार्थना की है, लेकिन उनकी प्रार्थना बिल्कुल अलग। सुकरात प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, दुनिया में तुम सबको सद्गुणी बनाना। क्या बनाने कह रहे हैं? सद्गुणी बनाने। हे प्रभु, दुनिया में तुम सबको सद्गुणी बनाना, लेकिन शुरुआत मुझसे करना।
है ना अद्भुत बात। सबको सदगुरु ने बनाए लेकिन शुरुआत मुझसे करना, पहले मुझे बनाना। क्या हम कभी ऐसी प्रार्थना किए हैं? एक बार झांक कर देखना होगा अंदर हम सबको। क्या हमारे मन में कभी ऐसी भावना आई कि मैं सबसे पहले मुझे सदगुणी बनना है? जब हमारा देश गुलाम था, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें कितनी गरीबी थी, भयंकर गरीबी में लोग जी रहे थे। उसमें गांधी जी प्रार्थना करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति क्या जरूरत थी? गांधी जी कह सकते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान, सब धनी हो जाते, क्या बिगड़ जाता। लेकिन ध्यान रखना होगा, संपत्ति मिल गई, सन्मति नहीं है तो संपत्ति जुआ शराब व्यभिचार में खत्म होगा, अपना दूसरे का नुकसान ही करेगी वो संपत्ति। संपत्ति पाने के पहले सन्मति पाने के लिए चेष्टा होनी चाहिए। आप अपने बेटे को धन देने के पहले उस धन का कैसे प्रयोग करना है इसकी अच्छी बुद्धि तो दो। बेटे को आपने धन तो दिया, लेकिन धन कैसे कमाया जाता है, धन का क्या मूल्य है और धन का कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये संस्कार नहीं दिया। तो आपके कमाए धन का आपका बेटा आपके गलत कामों में खत्म तो करेगा। अब आप शिकायत करोगे कि जमाना कलयुगी आ गया है, इसलिए पहले सद्गुण की आवश्यकता है, सदाचार की, अच्छे संस्कार की आवश्यकता है। गुरुदेव जी कहते हैं, ईर्ष्या क्रोध घृणा मत सरतज, दुर्गुणों को छोड़ करके सबसे सद्गुण गहना। ये जीवन जीने की कला है, जीवन की रहनी है हमारी। हम महापुरुषों की पूजा तो करते हैं लेकिन उनके जीवन की रहनी को समझने का प्रयास नहीं करते। अपने मन को मार मार कर सबकी सब छीन सहना, सब कुछ हमारे मन के अनुकूल नहीं होना है। सभी लोग हमारे मन के अनुकूल काम नहीं करेंगे, मन के अनुकूल बात नहीं करेंगे। मन के अनुकूल थोड़ा होगा, प्रतिकूल ज्यादा होगा। वो ये कहते हैं, अपने मन को मारते रहो बार बार, अपने मन को मारते रहो। दूसरे को नहीं मारना है, अपने मन को मारना है। और मन को मार मार करके सहन करते जाओ, सहन करते जाओ, सहन करते जाओ। पत्थर जितना ज्यादा छेनी और हथौड़ी की चोट सहन करता है उतना जल्दी वो भगवान बन जाता है। और जो पत्थर सहन नहीं करता वो टूट करके सड़क पर बिछ जाता है या सीढ़ी में लग जाता है। सोना सुनार की छीनी हथौड़ी की चोट सहन करता है तब किसी के गले का हार बन जाता है। क्या हम लोग जानते नहीं हैं? लेकिन हमेशा उलझते हैं, हमेशा उलझते ही उलझते जीवन बीत। क्योंकि किसी ने थोड़ी सी बात कह दी एकदम शुद्ध हो गए, दुखी हो गए, खाना पीना छोड़ दिए। ये हमारी कमजोरी है। गुरुदेव जी का कितना विरोध हुआ है, भरी सभा में विरोध हुआ, बड़े मंच पर विरोध हुआ, उनके सामने ही गाली दी गई उनको, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया विहीन जीवन। इसलिए मैंने कहा था कि गुरुदेव जी ने ये पंक्तियां लिखने के लिए नहीं लिखी है, अपने जीवन का अनुभव लिखा है, जी करके लिखा है। अपने मन को मार मार कर सबकी सब छीन सहना। भोजन वस्त्र आवास सदा संतोष गुजर में करना, हानि लाभ सुख दुख में, हानि लाभ सुख दुख में सदा, पंक्ति भूल रही है, भोजन वस्त्र आवास सदा संतोष गुजर में करना। भोजन में, वस्त्र में, आवास में, या जीवन जीने की जो सामग्री है उनमें सदैव संतोष रखना। जो मिला, जितना मिला, बहुत मिला, अच्छा मिला,
ये भाव जब तक मन में नहीं आएगा तब तक सुख से जीवन नहीं जिया जा सकता। समझना होगा, भोजन केवल भूख दूर करने की दवा है, कपड़ा केवल शरीर ढकने के लिए है, निवास ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए और रात्रि विश्राम करने के लिए है, बस। ये भाव जब होगा तो संतोष आएगा, और जब संतोष आएगा तो दूसरे का हक नहीं मारा जाएगा। मेहनत करो, ईमानदारी पूर्वक सत्यता पूर्वक मेहनत करो, प्रारब्ध पुरुषार्थ का योग होगा, चीजें बढ़ती चली जाएगी, लेकिन चीज के बढ़ने से हम बड़े नहीं होंगे, चीजों के बढ़ने से शांति नहीं बढ़ेगी, संतोष से शांति मिलेगी। और संतोष है नहीं, हर समय शिकायत, हर समय शिकायत, खाने बैठे उसमें शिकायत, आज ऐसी सब्जी नहीं, आज दाल में नमक कम, सब्जी में मिर्चा नहीं है, सब्जी में मसाला नहीं पड़े है, तेल से बिघारा नहीं गया, पानी से छौंक दिया है, एक न एक शिकायत, एक न एक शिकायत, असंतोष। असंतोष करके क्या फायदा होता है, संस्कार बिगड़ता है, भोजन तो करना ही, खाना ही है, मन को बिगाड़ करके खाए, भोजन पानी बन गया। तो भोजन वस्त्र आवास सदा संतोष गुजर में करना, सब में गुजर करना, हानि लाभ सुख दुख में, हानि हो लाभ हो सुख हो दुख में समता भाव में जीना। मैंने कहा था उस दिन, हानि हुई स्वागतम, लाभ हुआ स्वागतम, सुख आया स्वागतम, दुख आया स्वागतम, घर के दरवाजे पर तो लिखते ही स्वागतम वेलकम, मन के दरवाजे पर लिख लें, जो परिस्थिति आए सबका स्वागतम, विचलन कहाँ होगा, शुभ कहाँ होगा, समता भाव में जीना होगा, सब समय समता भाव में जीना, ये हमारी जीवन की रहनी है। इस रहनी में रह करके ही व्यवहारिक जीवन को हम शांतिपूर्वक सुखपूर्वक जी सकते हैं और कल्याण का काम कर सकते हैं। अंतिम पंक्तियां हैं, मनसा वाचा और कर्मणा मलिन भोग के त्यागी समदम विरति विवेक परायण स्थिति के अनुरागी। मनसा वाचा कर्मणा, मलिन भोगों का त्याग कर दो। जो भोग केवल मन की इच्छा पूर्ति के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, जिनका त्याग करके जीवन को अधिक आराम से हम जी सकते हैं, इस सारे के सारे भोग मलिन भोग हैं। अब सोचिए, हम सबको सोचना है, कौन कौन सा ऐसा भोग है जिनको त्याग देने पर जीवन निर्वाह में, सेवा में, साधना में कोई कमी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तन का भोग, शरीर का निर्वाह थोड़े पदार्थों से हो जाता है, तन भोग के लिए हम दुखी नहीं है, दुखी है मन भोग के लिए। और मन के सारे भोग मलिन है, मन को मलिन बनाने वाला और जीवन को नरक में ले जाने वाला है। तो मनसा वाचा और कर्मणा मलिन भोग के त्यागी, मनसा वाचा कर्मणा सारे मलिन भोग का त्याग कर दे। समदम विरत विवेक परायण, सम मन को संतुलन में रखना, मन पर संयम, दम इंद्रियों पर संयम, और भीतर बाहर से अनासक्त। जब ये दशा आएगी तो जो आत्म स्थिति, परमात्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, शांति स्थिति, वो दशा मिल जाएगी। जो स्थिति का अनुरागी होता है, कल्याण का अनुरागी होता है, उसके जीवन की यही रहनी होती है। गुरुदेव जी ने
हमें जीवन की एक रहनी बताई है, और उन्होंने लिख करके नहीं जी करके बताया है। इसको हमें समझना है, मनन करना है, और जीवन में जीना है, इसको जीवन में उतारना है। ये गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि होगी, ये उनका आदेश है और निर्देश है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा। चल हुआ पूरा तेरी तकदीर का फेरा। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा। जग में लट्टू की तरह तू खूब रे घूमा। दो गली दुनिया में दर दर खूब तू झूमा। जग में लट्टू की तरह तू खूब रे घूमा। दो गली दुनिया में दर दर खूब तू झूमा। अब न करना झूठी नगरी में कभी फेरा। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा। किस लिए ऐ बाबरे बीती पे रोता है। पत्थरों के चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा।